to my YouTube channel. और ये है ऑटोमेटिक स्विंग मशीन, इसको लोकल लैंग्वेज में अपन लोग झुग्गी मशीन भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसका बताने वाला हूँ कि इसका पैडल कैसे यूज करते हैं। काफी लोगों को दिक्कतें आती है इसके पैडल यूज करने में कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो गाइस, नॉर्मली जो पैडल होता है ना, वो सिर्फ हमारा एक, जैसे कि मोटर को चलाने के लिए हम बटन स्विच ऑन करते हैं, तो इसी तरीके से ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जस्ट अगर हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये देखिए ये एक स्प्रिंग है और ये जस्ट स्प्रिंग ऊपर नीचे होता है जो कि बटन को ऑन ऑफ करता है। अगर आपको इसको कंट्रोल में करना है तो आपको दोस्तों समझना पड़ेगा स्पीड मीटर को। मैं आपको दिखाता हूँ स्पीड मीटर को, ये देखिए स्पीड मीटर को आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है प्लस माइनस का बटन जो कि आपसे आप इसमें कम और तेज कर सकते हैं सिलाई की स्पीड को। मैं दिखाता हूँ आपको इस टाइम मैंने कितना कर रखा है, अभी मैंने 2000 पे कर रखा। अगर आप बिगिनर है इस मशीन के लिए, नया आपने इस्तेमाल में ला रहे इस मशीन को, तो आप इसको कम कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कम करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं अभी आपको 1000 पे है ये, और अभी मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ, एक बार इसकी स्पीड देखना 1000 पे। ये इसकी 1000 पे स्पीड है, और अब ये थोड़ा सा ओवर कम करके दिखाता हूँ एक बार आपको, 600 पे देखेंगे हम। और ये इसकी 600 पर स्पीड है, ये देखिए दोस्तों। अगर आप इसके लिए नए हैं तो आप इसमें से कम ज्यादा कर सकते हैं, और अभी मैं आपको हाई करके दिखाता हूँ एक बार इसकी कि हाई पर कितनी है। मैं फॉर एग्जाम्पल हाई है 4500। ओके, अभी मैं आपको उसको चला के दिखाता हूँ। देखिए इसकी स्पीड देखना एक बार आप, देखिए आपने इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज, इसकी स्पीड जब आप इसको हाई पे कर देते हैं। तो हाई पे बिल्कुल नहीं चलाना है आपको स्टार्टिंग में, आपको स्टार्टिंग में इसको रखना है। मैंने भी जब इसको स्टार्टिंग में यूज किया था तो मैंने इसको रखा था 1200 पे। अब आप देखिए एकदम नॉर्मल स्पीड, जैसे हमारी जो घर की मशीन होती है ना, अम्ब्रेला मशीन, सेम वैसे चलेगी एकदम हल्की स्पीड। तो ये बिजनेस यूज के लिए काफी यूज हो रही है और आजकल ट्रेंड में चल रही है मशीन। तो आपको अगर दोस्तों ये पैडल को समझना है, पैडल को कंट्रोल करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको स्पीड मीटर को समझना पड़ेगा, और मैंने आपको इस वीडियो में स्पीड मीटर के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।